अगर आप किसान हैं और फसलों के खराब होने के बाद मिलने में मुआवजे की देरी से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी है। सरकार जल्द ही फसलों की जियो टैगिंग कर सकती है, यानी सैटेलाइट के जरिए फसलों पर सरकार की नजर रहेगी। इससे किसानों को फसलें खराब होने की सूरत में जल्द और आसानी से मुआवजा मिल जाएगा। किसानों की मुश्किल होगी आसान, खराब फसल का पूरा मुआवजा। किसानों की फसल खराब हो जाने की सूरत में अब मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी और ना ही किसानों को कम मुआवजे की शिकायत रहेगी। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी का भी अब सही इस्तेमाल होगा। दरअसल कृषि मंत्रालय इसके लिए जियो टैगिंग की शुरुआत करने जा रहा है, जिसकी मदद से इन सभी परेशानियों का समाधान निकलेगा। जियो टैगिंग के लिए कृषि मंत्रालय 6 अप्रैल को ऐप लॉन्च कर सकता है। इसके लिए कृषि मंत्रालय इसरो के साथ करार करेगा। इस ऐप के जरिए एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में दी गई सब्सिडी का सही इस्तेमाल होगा। सब्सिडी के जरिए मिलने वाली संपत्ति को जियो टैग करना होगा। साथ ही माइक्रो इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग होगी। इस ऐप के जरिए फसलों की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी और साथ ही किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने में आसानी होगी। बेशक सरकार अब इसे पूरे देश में लागू करने जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले साल तेलंगाना सरकार ने की थी। तेलंगाना सरकार ने भी जियो टैगिंग के लिए सभी रेवेन्यू अधिकारियों को टैबलेट दिए थे। इसका प्रयोग काफी सफल रहा। तेलंगाना ने हाल ही में अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग शुरू की है। राज्य को इससे बम्पर रिस्पॉन्स मिला है, इससे सब्सिडी कम हुई है और साथ ही सब्सिडी का इस्तेमाल भी सही हुआ है। लिहाजा से देखते हुए सरकार सारे देश में जियो टैगिंग की शुरुआत करने जा रही है। जियो टैगिंग केवल किसानों के लिए ही नहीं, जबकि बैंकों के लिए भी मददगार साबित होगी। बैंकों को किसानों को लोन देने में भी आसानी होगी। बैंक लोकेशन के जरिए आसानी से जमीन का पता लगा सकेंगे और उस पर लोन दे सकेंगे। साथ ही एक ही जमीन पर मल्टीपल लोन नहीं दिया जाएगा। विदेशों में भी जियो टैगिंग का इस्तेमाल सरकार के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। इससे कृषि सेक्टर में किए जाने वाले सारे प्रोजेक्ट्स की सही जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। वर्ल्ड बैंक ने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैगिंग की वकालत की है।